हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने स्टडी टारगेट पिजन में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर सेट 5 देखेंगे, जो कि आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हम नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 2, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा डी, लट्टू के खेल में। क्वेश्चन नंबर 3, वॉरेन हेस्टिंग था, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान दी, यह हो जाएगा महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि प्रदान दी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मैक्स मूलर को, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी, मैक्स मूलर को दी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1783 में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित बिरजू महाराज कृष्णित कला के पर्याय हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कथक, इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज कृष्ण नृत्य कला के पर्याय हैं, तो कथक इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में 8, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ढहते विश्वास कहानी मूलतः किस भाषा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री र को क्या अर्थ बताती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, माँ बेटा, इसको बताती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में अकखर किसे कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का वो हो जाएगा बी, व्यक्ति को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा सी, भगन दूत, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, का उच्चारण स्थान क्या है? तो का जो उच्चारण स्थान है वह है ए, इसका सही आंसर यानी कि कंठ, इसका हो जाएगा क, यानी कि कंठ। क्वेश्चन नंबर 14, भवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन में 14 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा भव जोड़ अन, इसका हो जाएगा भो जोड़ अन, भवन, इसका सही आंसर हो जाएगा भवन का सब, भवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन में 15, चौराहा शब्द का सही विग्रह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन में 15 का हो जाएगा ए, चारों राहों का समाहार। क्वेश्चन में 16, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन में 16 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। क्वेश्चन नंबर 17, परिवीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिवीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा ए, परि, इसका उपसर्ग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परि, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निकेतन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, इसका यानी कि निकेतन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, घर का। क्वेश्चन नंबर 19, घृणा शब्द का विलोम रूप क्या है, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेम होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा ए, एक वचन में, इसका सही आंसर हो जाएगा एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 21, वह आया है, यह वाक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा बी,
पूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य तत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मनुष्य तत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा सी, अत्व प्रत्यय है, अत्व प्रत्यय है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक प्रसिद्ध डैश है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, मुहावरा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा बी, लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इतिहास शब्द का विशेषण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। इसका शब्द ऐतिहासिक, इतिहास शब्द का विशेषण क्या है, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 25, मोती शब्द कौन सा लिंग है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए, पुल्लिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लड़के पतंग उड़ा रहे थे, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा बी, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चार। क्वेश्चन नंबर 28, मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, लौट कर आऊँगा फिर निबंध पाठ किस विधा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, कहानी। क्वेश्चन नंबर 30, कुंवर नारायण कवि हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्राम संवेदना के कवि, यानी कि कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के। क्वेश्चन नंबर 31, रेनर मालिका रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो हो जाएगा ए, मनुष्य ने। क्वेश्चन नंबर 32, बहादुर पाठक के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमरकांत, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आवन्यो कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा डी, यानी कि भारत में। आवन्यो कहाँ स्थित है, तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 34, नोहा किसे कहते हैं, तो नोहा किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, सहनाई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, अस्पताल में। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के थे, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, किन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 38, भारत माता शीर्षक कविता के रचनाकार हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 39, बीरेन डंगवाल की रचना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 39 का वो जाएगा बी, हमारी नींद। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, अगय अगय ने निम्नांकित में किसका सूत्रपात किया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का वो हो जाएगा सी, प्रयोगवाद का। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 41 का हो जाएगा बी, दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 42, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 42 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर 1854 में। क्वेश्चन नंबर 43, सुजान रसखान नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 43 का हो जाएगा सी, रसखान की। क्वेश्चन नंबर 44, बिस्मिल्ला खान की मृत्यु कब हुई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो हो जाएगा डी, 21 अगस्त 2008 को। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अंतरदेशीय। क्वेश्चन नंबर 46, हराम की कमाई हराम में जाती है के लिए सही वाक्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का वो हो जाएगा ए, चोरी का माल मोड़ी में, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, गाजर मूली समझना का क्या अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि निर्बल समझना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा वाक्य शुद्ध है,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 48 का वो जगह ए, यानी कि जो कुछ मेरा है सब आपका है। क्वेश्चन नंबर 49, जो सुख दुख में एक साथ रहे तो उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 49 का वो हो जाएगा वितरागी, इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा साथ। क्वेश्चन नंबर 50, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के जो कितने भेद होते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन में 51 का वो हो जाएगा बी, कपिला, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, मदन के पिता का क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का वो हो जाएगा बी, गिरधर लाल। क्वेश्चन नंबर 53, खोखा का दूसरा नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का वो हो जाएगा सी, कासू था इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा, कासू इसका सही आंसर हो जाएगा। खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू। क्वेश्चन में 54, दारिस किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन में 54 का वो हो जाएगा डी, सोने के सिक्के को। क्वेश्चन नंबर 55, भारत कहाँ बसता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 55 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा कंठ, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, सुक्ति का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स जोड़ उक्ति, यानी कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स जोड़ उक्ति। क्वेश्चन नंबर 58, यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होता है वो हो जाएगा सी, अव्ययीभार भार समास। क्वेश्चन नंबर 59, रही रास किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुरु नानक, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अच्युत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो अच्युत। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।